आइए। देखिए ये किसी मंदिर का द्वार लग रहा है, ऊपर श्री गणेश जी विराजमान है। मंदिर है, पुष्प यहाँ पर कुछ पॉइंटेड आर्च है गेट में, और यहाँ पर ये पत्तियाँ उल्टी लटकी हुई, और ये देखिए आप, बीच में गणेश जी विराजमान हैं और फूल पत्तियाँ। विवेक जी, सेम वही डिज़ाइन जो हमें हर जगह देखने को मिलता है, ये। और इस पर कुछ चूने की कलाकृति अभी की गई है। थोड़ा अंदर चलते हैं, यहाँ पर ये बेल, ये द्वार को बंद रखने के लिए द्वार की। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद में ये एक होल है, शायद उसको बिल्कुल लॉक करने के लिए। ये देखिए आर्च, ईंटों से आर्च, ईंटों या पत्थर के टुकड़ों से आर्च कैसे बनाई जाती है। इसको इस तरह से लगाया जाता है, और ऊपर से इसमें की स्टोन लगा दिया जाता है, जो इसको नीचे दबा के रखता है। और छत देखिए आप, सबसे पहले लिंटल, ये शायद यहाँ पर लकड़ी की छत रही होगी जो नीचे से निकल गई, और ऊपर ये चूना और पत्थरों का शेष। और यहाँ पर ये देखिए, ये अवश्य ही किसी मंदिर के अवशेष है। ये देखिए कुछ चूने की यहाँ पर चित्रकारी, इधर देखिए और सामने भी। यहाँ पर पुष्प और नीचे स्तंभों पर भी। वाओ, बड़े बड़े बैट। रणथंभौर के अंदर जितने भी मंदिर कि जो अवशेष हैं, उसके अंदर एक बात आपने नोट की है विवेक जी, हर में तीन ही द्वार हैं। बिल्कुल, तीन द्वार हैं हर स्थान पर। तीन स्थान पर, मतलब हर स्थान पर तीन ही द्वार हैं। और यहाँ पर भी चित्रकारी, ये देखिए डिजाइन, और ऊपर ये देखिए सबसे स्पष्ट, काफ़ी बड़ा। बिल्कुल, और ऐसा यहाँ पर अलग तरह का, और यहाँ पर सेम वही। पहले थोड़ा इस तरफ का दिखा देते हैं, इस तरफ भी वही। केवल अवशेष, और इसका एकमात्र कारण हमारे सिस्टम का व्यवस्थित रूप से इसकी देखभाल न करना। और ये देखो कितनी सुंदर चित्रकारी, इसके ऊपर फिर से पेंट किया गया है, लेकिन पुरानी चित्रकारी के कुछ अवशेष अब भी। और यहाँ पर जालियाँ लगी हुई थी जो टूट चुकी है, और यहाँ पर हर जगह है। ये किसी मंदिर के अवशेष जो बिल्कुल मिटने के कगार पर हैं, अपने कुछ निशानियों को समेटे हुए, बचाते हुए। और ये सीढ़ियों के नीचे का एक कैबिन, एक छोटा सा कमरा, और जिसकी सीढ़ियाँ यहाँ से जाती थी। बिल्कुल, और एक सीढ़ी उस तरफ, यानी दोनों तरफ से। उस तरफ कुछ कमरे हैं कुछ भवन के, उनका अलग है, और इधर के लिए अलग रास्ता। और क्या ऊपर जाना चाहोगे यहाँ से?
यहाँ पर छत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर छत नहीं है। तो इस तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। क्या ये थोड़ा जूम हो सकता है? से ध्यान से देखिए, और सेम ऐसी आकृति मोर की इस तरफ, ये ऊपरी कक्ष जो ऊपरी तल है उसके ऊपर। तो इसके बाद में थोड़ा ऊपर देखते हैं अगर कुछ बिल्कुल। हाँ, इधर भी तो सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ से सीढ़ियाँ। तो यहाँ से पीछे की तरफ रास्ता जाता हुआ, पहले पीछे जाना चाहेंगे बैठ से, थोड़ा सा उधर जाना। बिल्कुल बैठ के छत्ते हैं, आप ऊपर जो देख पा रहे हो ये बैठ के छत्ते हैं। हाँ जी, क्या बात है। लगभग खंडर खंडर। तो चलिए अन्य चलिए ऊपर छत पे चलते हैं। बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि बिल्कुल खंडित अवस्था में, ये देखिए क्रैक है इस सीढ़ी पर, और थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इधर देखिए, गैलरी से निकलते ही इधर से, और ये यहाँ के जो ब्रह्म स्थान बोलते हैं उसके साइड का ये दृश्य है, और जो दूसरा जीना यहाँ से उसका, मतलब चार सीढ़ियाँ हैं, चारों को आपस में किसी से भी चढ़कर किसी भी साइड उतर सकते हैं। और ये देखिए, ये प्रथम तल, पहली मंजिल कहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरफ ही देखता हुआ, वो देख नहीं सकता नवीन जी, बैट संदे होते हैं। ये देखिए और भी आवाज आ रही है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो साउंड टकरा के जब ऑब्जेक्ट से वापस आता है तो उसको ये सेंस करते हैं। ये देखिए, उस तरफ चलना चाहेंगे थोड़ा सावधानी पूर्वक। क्योंकि छत बिल्कुल, और इसके ऊपर भी एक मंजिल है तल, लेकिन वहाँ पर जाने का शायद ही रास्ता है। इधर से कुछ अवशेष उधर, उस तरफ से सीढ़ियाँ, उस तरफ से चलिए। काफ़ी कंटीली झाड़ियाँ, क्योंकि ऑरेंज से कपड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, उनमें उलझ के खुसट चुके हैं। और ये कुछ पीछे का दृश्य जो कि अवशेष ही है, और यहाँ पर भी बैट्स, यहाँ पर कुछ ये जाली देखिए पीछे की कुछ बची हुई हमारी। और ये देखिए, ये पुष्प की भी आकृति है, और ये त्रिशूल की भी आकृति है। अगर नीचे से देखेंगे तो ये त्रिशूल की आकृति है, अगर हम इस साइड से उल्टा करके देखेंगे तो ये पुष्प की आकृति है।
आपने नोट की है बात? हाँ, ये नोट करो। क्या जी? और ये देखिए इसके नीचे कुछ, और ये टूटा हुआ नहीं, ये ढक्कन है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये यहाँ से शायद किसी तरह इसका लॉक सिस्टम होगा, वो निकल जाएगा। ये और ऐसा ही हमें इस तरफ भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, मेरे ख्याल से ये स्लाइड होते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये स्लाइड होते हैं। ये स्लाइड अंदर चला गया, खुल गया। और इसको हम तिजोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें चाहे हम धन छिपाएं या फिर दस्तावेज। और अगर इसको हम यहाँ से ढक देंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि ये फंस गया है, काफ़ी पुराना हो चुका है, शायद ये हाथ से ऐसे रख के ये लॉक है। ये देखिए यहाँ पर बनाया है कुछ, इसमें यहाँ पर लगाकर और खींचा जाता है, इमरजेंसी में ही खोला जाता है इसको। बिल्कुल, जैसे गुप्त द्वार होते हैं निकासी के लिए, महल से निकलने के लिए, उसी तरह गुप्त तिजोरी। और ये आप देख सकते हो, ये लगभग 1400-1500 साल पहले की इमारत है, और उस समय हम इस तरह का निर्माण कार्य करते थे। हमारी इतनी उन्नत शैली, इसको तोड़ के देखा गया कि यहाँ पे ऊपर भी तो नहीं है कुछ। बिल्कुल, और यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ अन्य दूसरी तरह का, और किसी ने इसको तोड़ दिया होगा देखा। बिल्कुल, किसी ने यहाँ पर चेक किया है कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, कुछ छुपा हुआ धन या आभूषण। बिल्कुल, कोई कुछ किसी भी तरह का धन आदि। और ये एक मंदिर के अंदर है, तो आप सोच सकते हैं कि जो राजकोष अधिकारी के कक्ष या अन्य कोई निर्माण वो होते थे। और यहाँ पर भी देखिए नीचे तक ये एक कुछ बना हुआ है, लेकिन उसमें मलबा भर गया है। यहाँ पर ये सॉलिड है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा। दूसरी तरफ तल पे जाने की कोशिश करेंगे, उसका मार्ग दूसरी तरफ का यहाँ से नहीं जा रहा। एक बार नीचे वाले इसमें जाने की जाते हैं। और ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे भी कोई कक्ष है, क्योंकि ये देखिए ये प्रकाश के लिए बनाया गया है। इसके नीचे अवश्य 100% इसके नीचे कोई कक्ष है, गुप्त कक्ष। ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है, सीढ़ियां ढोने लगेंगी। ये दिखाई दे, आप यहाँ से देखिए ना, ये नीचे कक्ष है कोई। और यहाँ पर बैट्स की आवाज आती हुई, चमगादड़। एक मिनट आ रहा हूँ। इधर 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 से रास्ता है। बिल्कुल, यही है वो मार्ग, रास्ता, गुप्त मार्ग, पर बहुत बैट्स हैं जो नीचे जाता है। और काफी चमगादड़ यहाँ पर हैं, घूम रहे हैं सामने। चले अंदर, जाना चाहोगे आप? हाँ।